ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रो माँ तारा कृष्ण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो माँ। यदि आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो मुझे कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, कॉल कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, पर्स कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप उसके अंदर क्या सामान रखें जिससे आपके पर्स में कभी भी धन की कमी ना हो। चर्चा करने से पहले बात करेंगे राशियों के ऊपर कि आज की राशि क्या कहती है। आज आपके लिए मेष राशि वालों के लिए कहता है समय कि कम समय में अधिक लाभ पाने के विचार में आप फंस न जाएं। इसका आपको ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के विषय में ना पढ़ने और ना ही किसी जमानतदार की बनने की सलाह है आपको। धन लाभ हो सकता है। आज आपको क्या करना है, आज अपने पुराने कोई चप्पल है वो किसी भी गरीब को दान कर दीजिए या छोड़ाइए मंदिर के बाहर। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है घर और संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। पुराने व बचपन के मित्रों से आपको भेंट हो सकती है जिसके कारण मन आपका अच्छा रहेगा। व्यवसायिक और आर्थिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं आपके लिए बेहतर हो जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज का दिन लाभदायी है। व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकरण की कृपा दृष्टि, जो अधिकारीगण है उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन सकती है। आपकी प्रकृति का मार्ग निर्विघ्न यानी कोई भी बिना संकट के हो जाएगा। साथ ही व्यापार में भी आय बढ़ने की और उगाई की संभावना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आज का दिन आपके लिए कहता है कि इसको और ज्यादा शुभ कैसे बनाया जाए तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे आज गणेश जी को तिल के लड्डू चढ़ा दीजिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपके लिए कर्क राशि वालों क्या कहता है आपके दिन, आपके लिए कहता है उच्च अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार में संभल कर चले। शारीरिक रूप से आप कहीं ना कहीं स्वस्थ लगते हैं और साथ ही मानसिक चिंता भी आपकी बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। व्यापार में आपको कोई भी परेशानी आने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होगा। साथ ही आज आपको क्या कहना करना है, आज के दिन आपने करना है अगर हो सके तो अपने मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगा के उस पर दीपक जलाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय के घी का। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य भी संभलेगा, कुछ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में जो असर है वो आज सुधर जाएगा। मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी। परिजनों के साथ कलह के प्रसंग बन सकते हैं, तो भाई क्या करना है, आज जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 4 की संख्या में जाके अगरबत्ती जला के आइए शाम के वक्त, और वो भी आटे का दीपक भी जला आइएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है प्रातः काल का समय मित्रों के साथ घूमने फिरने और खान पान और मनोरंजन में आनंद पूर्वक बीत सकता है, और साथ ही भागीदारों के साथ भी आज आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। खर्च बढ़ सकता है क्योंकि भाई खर्च तो बढ़ेगा जब मित्र आपके साथ होंगे, तो आज आपको क्या करना है, खर्च को संयम रखना है। और साथ ही आज अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो हो सके तो मस्तक पे चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जय भोलेनाथ। बाकी हम राशियों पर चर्चा करेंगे मगर हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। आदित्य जी स्वागत है। जी नमस्कार जी, बताइए जी। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1997। और समय बताइए। और समय है रविवार सुबह 9:18। बताइए बेटा, सवाल पूछिए जी। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, और अभी इस वक्त मैं बीएससी कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पूछना है कि हमारा घर कब तक बन पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देखती हूँ ज्यादातर कॉलर घर के ऊपर बहुत बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज है अपनी जॉब के लिए सुन लीजिए कि आपके जॉब के लिए आपकी राशि बनती है मेष और लगन आपका है कन्या, और यहाँ देखते हैं दशम भाव में मिथुन राशि संचार कर दिया। कुल मिला के अगर हम बुद्ध की दृष्टि देखते हैं तो 20 होके बैठी है, तो यहाँ पर जो है बुद्ध की डिग्री को बढ़ाना है, पन्ना रतन धारण करना आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। साथ ही आपकी राशि के स्वामी जो 12 डिग्री होके बैठे हुए हैं उसके लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। और अभी जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, तो हो सके तो आप जो है मूंगा रतन धारण करिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और साथ ही गणेश जी की पूजा आराधना जारी रखिए, आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। मकान भी बनाएगा क्योंकि जहां तक आपने मकान की बात की है तो भूमि के देवता मंगल का ही समय चल रहा है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। जय भोलेनाथ।
लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो माँ जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरी बेटी है 17/10/2000, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। सुबह 7:10 पे जी क्या पूछा जाती है उसके लिए? 17/10/2000। हाँ 10, ठीक है ठीक है। सुबह 7:10 पे जी सवाल पूछिए। मेरी बेटी बीमार रहती है, आप इसके बारे में बता दीजिए। तबीयत खराब रहती है, पढ़ने में भी कमजोर है, उसका भविष्य बता दीजिए। चलिए बच्चे के पढ़ाई के लिए हैं, देखते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है एकदम 0 डिग्री होके बैठा है। जब हमारा सूर्य कमजोर होता है तो हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और अभी जो अगर हम दशा की अगर हम इसकी बात करते हैं तो दशा इस समय इसकी राहु की चल रही है। राहु से संबंधित यहाँ पर बच्चे के कहीं स्वास्थ्य पर असर पड़ता दिखाई देता है। इसके सिराने आपने मंगलवार के दिन जौ रखिए, दूध के छिट्टे डालिए और स्टील के लोटे में जल डालिएगा, जिसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा। पानी को आपने किसी भी पेड़ में डालेंगे या उसका प्रभाव देखेंगे, पेड़ जो है दिन पर दिन सूखता जाएगा। साथ ही जो जौ है जिसको दूध के छिट्टे डाले वो आप पक्षियों को डालिए। बेटी के हाथ से आपने सतनजा भी पक्षियों को डालना है। आगे पढ़ाई के लिए उत्तम रहेगा, इसके लिए यहाँ पे ये करना है, इसको सूर्यदेव की पूजा आराधना करवाया करें साथ में मिलकर, तो इसके लिए बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। तारा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। तारा जी स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम बेटा। माँ मैं अपने दो बच्चे हैं, मैं बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। सबसे बड़े बेटे के बारे में बताओ। बड़ा बेटा का नाम है प्रतीक राय, उनका जन्म है 16/1988। और समय बता दो। रात का 9 से 9:30 के बीच का है। क्या पूछना है उसके लिए? माँ मैं जानना चाहती हूँ कि उनको सरकारी जॉब कब तक मिलेगी, और अभी अच्छी बीटेक किए हुए हैं लेकिन कहीं अच्छी जगह नहीं उनको मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर बेटे की सरकारी जॉब के लिए यहाँ पर देखेंगे कि एक तो लगन में यहाँ पर गुरु का ही प्रभाव है और यहाँ पे दशम भाव में भी गुरु का, तो यहाँ पर कुल मिला के ये कहेंगे कि गुरु के लिए एक तो पुखराज या फिर सुनहला रतन धारण करवा दीजिए। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसको दिए देखते हैं इसकी राशि के अनुसार, तो यहाँ पर कन्या राशि बनती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं एक तो जो है 0 डिग्री होके बैठा हुआ है, यानी कि हमारा गुरु। तो यहाँ पर इसके लिए अच्छा रहेगा कि जब पुखराज धारण करवाते हैं तो सफेद रंग का पुखराज हो तो इसके लिए और भी ज्यादा बेहतर हो जाता, थोड़ा सा उसमें येलो कलर होता है वो इसके लिए बेहतर होगा। राहु की मादशा चल रही है, गोमेद रतन भी धारण कराना अति उत्तम होगा, क्योंकि जॉब वगैरह में जो अड़चन जा रही है, लड़का मेहनत करता है मगर मेहनत करते ही इसके हाथ से जो है इसके अवसर निकल जाते हैं। राहु का उपाय करें इसके लिए अच्छा रहेगा, बाजरा जो है पक्षियों को डाला करें। जय भोलेनाथ। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी, जी। मैं मेरी वाइफ के लिए पूछना चाहता हूँ, पूजा के लिए। जी बताइए उसकी जन्म तिथि बताइए। 4/11/1980। और समय बताइए। समय सुबह 4:30। जी क्या पूछना चाहते हैं? इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? पूजा के लिए आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की है, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए मगर यहाँ पर जो है चांसेस जो है कुल मिला के 80% दिखाई देता है, क्योंकि जब हमारा सूर्य नीचे सो के बैठ जाता है तो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या बनी जाती है। और दूसरी बात, इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है जिसकी वजह से हमारी जॉब वगैरह में अड़चन आती रहेगी। अगर हमारा सूर्य स्ट्रांग होता है तो गवर्नमेंट जॉब में आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही पितरों के नाम की पूजा आराधना कराए, कालसर्प दोष की पूजा आराधना कराए, जॉब के लिए मेहनत जारी रखे, जॉब जरूर लगेगी। जय भोलेनाथ। अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। अमन जी स्वागत है। जय माता की। जय माता दी। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए। अपने बेटे के बारे में पूछना था। जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि 24/11। हाँ? दिन मंगलवार सुबह 5 बजे का सन तो बताओ। 1976। जी चलिए क्या पूछा जाती है? अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत परेशान रहता है, जो काम करता है वो होता नहीं है, बहुत घर में बीमारी में लगा रहता है, दवाई रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे छठे भाव में मीन राशि संचार कर रही है, और अगर हम यहाँ देखते हैं कि दशा कौन सी चल रही है तो दशा इसकी मंगल की चल रही है। इसके हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ में इसको मूंगा रतन धारण करवा दीजिए, इसके लिए बेहतर होगा। साथ ही लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का गहरा तकिया या मैरून कलर का इसके जो है तकिए का गिलाफ बना के इसको चढ़ाइएगा, और मसूर की दाल इसके ऊपर जोर सार कर मंगलवार के दिन कुछ दक्षिणा के साथ में किसी भी सफाई कर्मचारी को अगर देते हैं इकट्ठा कर ले 9 मंगलवार, फिर उसके बाद दान कर दीजिए, इसके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तांबे के लोटे में जल पिए। जय भोलेनाथ। कविता हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। कविता जी स्वागत है। नमस्ते माँ। नमस्कार बेटा जी। हम अपने पति के बारे में पूछना चाह रहे हैं। माँ पति की जन्म तिथि
वीरेन कुमार गुप्ता जी। जन्म तिथि बताओ। जन्म तिथि तो उनकी हमको मालूम नहीं है। पति का नाम बता दो। वीरेन कुमार गुप्ता जी। क्या पूछा जाती है उनसे? जी उनको एक साल से नौकरी नहीं है मैम, और लग भी नहीं रही, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या है, उनकी नौकरी लग नहीं रही है। आपको उपाय बताइए। अब अभी भी तो कर रहे हैं कहीं? नहीं नहीं मैम, एक इंटरव्यू दे के आए थे वो, वहाँ हाँ होने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दिखा, इसको लेके मतलब आज फिर गए हैं, अब भगवान के लिए यही प्रार्थना है। चलिए एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, अभी जो इन्होंने नौकरी छोड़ी थी बहुत जल्दबाजी में छोड़ी थी, गलत किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं रह के हमें दूसरों की सुननी भी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आवेश में आके जॉब अगर हम छोड़ देते दूसरी तरफ से, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा झुक के अगर उनसे बोलते तो उनकी जॉब टिकी रहती। कारण क्या है? यहाँ राहु का प्रभाव है, साथ ही यहाँ पर मंगल को भी देखते हैं। जब भी वो जॉब वगैरह के लिए जाया करें अपने यहाँ पर सिंदूर जो है लगाया करें, सिंदूर थोड़ा सा लेके उनके मस्तक पे लगा दिया करें, और थोड़ा सिंदूर जो है अपने चुटकी का हनुमान जी के चरण में डाल दिया करें। यकीन मानिए आपके पति की जॉब लगेगी, और साथ ही जो है इनको बोलिए राहु का उपाय करा करें। तो उसके लिए एक चीज है कि पक्षियों को दाना डालने के साथ साथ गाय को रोटी जरूर खिलाएं। जब भी जॉब के लिए जाते हैं रोजी रोटी का मामला मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो रोटी लेके जाएं, गाय को खिला के तब जाएं, इनका काम हो जाएगा। जय भोलेनाथ। गंगाराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो सर। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैम मेरी जन्म तिथि और कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मैम जॉब नहीं लगता, मैंने एमएससी कर रखी मैम, इसलिए थोड़ा बताइए। नाम गंगाराम है, राशि क्या है मालूम नहीं मैम। गंगाराम जी नाम से आपकी कुंभ राशि बनती है, और साथ ही जैसे कि आपने बात की है जॉब वगैरह के लिए, आपने ट्राई करा जॉब वगैरह करने के लिए, तो जॉब के लिए हाँ मैं प्रश्न कुंडली के आधार पर देख रही हूँ, शनि का यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दशम भाव के स्वामी शनि का यहाँ पे आपकी कुंडली में यहाँ पे दशम भाव पे भी दृष्टि डाले हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ उपाय बताना चाहेंगे। आप काले कुत्ते को रोटी खिलाया करें हर शनिवार के दिन, और साथ ही अगर हो सके तो रोज ही खिला दे, मगर काले कुत्ते को खिलाना है। और साथ ही एक चीज और है, शनिदेव की पूजा आराधना करनी है, शनिदेव के जिस दिन शनिवार हो उस दिन आपने चौमुखी आटे का दीपक बना के एक चौराहे पे रखना है, और एक पीपल वृक्ष के नीचे रखना है, आपका काम हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। जय भोलेनाथ। बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे, कॉलर से भी बात करेंगे, मगर लेते हैं कि एक और हमारे कॉलर हैं, तो ब्रेक ले लेते भैया, पहले ब्रेक। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम कह रहे थे अपने कॉलर से ही बात करेंगे, मगर नहीं, पहले हम बात करेंगे तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? आपके लिए आज का दिन कहता है आज जो है दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को आप सफल बना सकते हैं। ग्रस्त जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा, वाणी पर आपको संयम रखना है। आज जो है मिश्री और इलायची खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज भावुकता अधिक रहेगी, और जो हमारे स्टूडेंट हैं आज अभ्यास और करियर संबंधी विषयों पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे, करिए जरूर करिए, कंपटीशन पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है। आज आपको क्या करना है, आज जो है माँ सरस्वती को अगर नीले फूल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद विवाद ना करने की सलाह हम दे रहे हैं। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, धन और प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना है, ये गणेश जी कह रहे हैं। तो ध्यान क्या करना है भाई, आपको करना है कि आज के दिन अगर हो सके अपनी माता के हाथ से कुछ दक्षिणा हाथ में लीजिएगा, मंदिर में जाकर किसी भी गरीब को यदि भोजन या कुछ खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, क्या कहता है भाई, आपके लिए कह रहा है मित्रों और प्रिय पात्र के साथ भेंट आनंदमयी रहेगी, धन की हानि होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। धन की हानि ना हो इसके लिए महालक्ष्मी जी का जो है आपने पूजा आराधना करनी है, महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की सलाह है, नकारात्मक विचार मन में ना आने दीजिए, खान पान में भी संयम बरतना है, मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके लिए कोई उपाय करना है तो वो ये उपाय है, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर आज आपने कुछ हो सके तो मीठा या लड्डू होते बूंदी वाले वो रखिएगा और मीठा जल चढ़ा दीजिएगा, इससे हमारे पितरों की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आपका दिन शुभ फलदायी रहेगा, नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है, परिजनों के साथ आज समय आनंद पूर्वक बीतेगा, धार्मिक कार्यों में खर्च अधिक होगा, प्रवास पर्यटन का योग बनता नजर आ रहा है। आज के दिन आज काले रंग के कपड़े ना पहने कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। ये है 12 राशि और उसके उपाय। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो। जय माता दी। जय माता दी। वैशाली बेटा बताओ। मैं
मैम मैंने दो सवाल पूछने थे, एक अपने भैया के लिए एक अपने लिए। नहीं अपने लिए, भैया के अपने खुद का हाथ है, अपना बोल भी सकते हैं, मगर तुम बोलोगे, तुम बताओ बेटा पहले बताओ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1995 और सुबह के 3:50 पे। 3:50 है, हाँ सवाल पूछो बेटा। नहीं नहीं मुझे 20 अगस्त 1995 3:50 जी। मैं अभी BSc कर रही थी, मैंने ये पूछना था कि मेरी नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी और सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। आपने बात की है किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी, तो यहाँ पर प्राइवेट क्षेत्र में आपकी जॉब बहुत अच्छे से लगेगी, बहुत अच्छे उसे पद पे लग सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपकी अगर हम राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के अनुसार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि प्राइवेट जॉब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। जरकन रतन धारण कर लेना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है वो राहु की वजह से अगर आएगी तो राहु का भी उपाय करना है। घर में जो है आपका पश्चिम और उत्तर की जो दिशा है उसको साफ सुथरा रखना है, उस जगह आपने कभी भी अपना सोने का स्थान नहीं रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिक्कत है आपके कामकाज में देगा राहु। तो राहु के उपाय के लिए आप ये उपाय करिए, घास वगैरह जो है घर में ना उगने दें, ये करें। जय भोलेनाथ। लक्ष्मी हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो मैम, मैं लक्ष्मी कोटा से, मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1996 है और टाइमिंग 8:35 सुबह का। हाँ नहीं शाम का है, PM। हाँ बताओ क्या पूछना है लक्ष्मी। मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है, मेरी जॉब कब लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे का। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, आप जो है अगर टीचर लाइन में जाना चाहती है और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बुध को देखना है कि बुध की अगर हमारी डिग्री जो है, क्योंकि लगन भाव में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपकी बुध की राशि संचार कर रही है, 18 डिग्री होके बैठे हुए है। साथ ही यहाँ पर अगर हम शनि को देखते हैं 0 डिग्री होके बैठा है, जो आपकी यहाँ पर शनि का अगर हम प्रभाव देखेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार यहाँ मेष राशि बनती है, तो शनि का प्रभाव यहाँ पर दृष्टि डाले हुए अपने दशम भाव पे। शनि का भी उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि की पूजा आराधना नहीं करनी है और साथ ही यहाँ पर आप शंकर भगवान पे जब भी दूध चढ़ाया करें, काले और सफेद दोनों तिल मिलाने के बाद थोड़ी सी चीनी डाल के चढ़ाया करें हर सोमवार के दिन, कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आने वाला समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जय भोलेनाथ। बाकी राशि एक और हमारे कॉलर, हम उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो मैम, मैं मेरे बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी जन्म तिथि बताइए। 2 फरवरी 2003 2:05 का टाइम। क्या पूछा जाती है मैम? मैं पूछना चाहती हूँ उसको, क्या है कि ना रीढ़ की हड्डी में गैप था जन्म से ही, जब 12 दिन रहता था ऑपरेशन हुआ उसका, लेकिन अभी भी क्या उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती है और पढ़ाई में उसका दिमाग लगता नहीं, तो मैं चाहती हूँ आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और मैं उसका ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ तो वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। किस चीज का ऑपरेशन है ये? चलिए हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अभी इसका जो है राहु का प्रभाव चल रहा है जो हमारे स्वास्थ्य पे भी असर डाले हुए है। अगर हम राहु को देखते हैं, राहु कहाँ बैठा हुआ है, तो राहु इसके 12वें भाव में बैठा हुआ है जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि यानी डाले हुए है, यानी 6वें भाव में डाले हुए। 6वें भाव में देखते हैं मंगल और केतु है जो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है आपको सर्जरी वगैरह करवानी पड़ सकती है, मगर जो है हम यही अभी देखें, थोड़ा सा आप थोड़ा जो है इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, और इसके हाथ से अगर हो सके तो आप जो है इसका अपने अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों के नाम का दान पुण्य कराने के साथ में आप हो सके किसी भोलेनाथ मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करवाइए, महामृत्युंजय का जाप करवाइए, फिर उसके बाद डॉक्टर को एक बार फिर दिखाइएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन करवाइएगा, मगर ट्रीटमेंट तो इसका जारी रहेगा क्योंकि आने वाले समय में इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई समस्या आ जाए, जो सक्सेस ना हो, अगर जो इसका ऑपरेशन है तो कहीं ना कहीं सक्सेस ना हो तो आपत्ति आ सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे रुद्राभिषेक करवाइएगा, महामृत्युंजय का जाप करवाइए, बच्चा सही हो जाएगा। जय भोलेनाथ। आज का उपाय क्या कहता है भाई? आज का उपाय ये कहता है कि आप लोग पर्स तो ले लेते हैं मगर उसका ध्यान नहीं रखते कि कब लेना है और कैसे लेना है और क्या उसमें करना है। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन आपने जो है पर्स खरीदना है, पर्स खरीदने के बाद उसमें लाल या काले रंग का पर्स जरूर रखा करें। काला जो शनि का रहता है, जब आप नौकरी वगैरह जो करती हैं उनके लिए तो ज्यादातर जरूरी है कि काले रंग का पर्स लेना है, अपनी राशि के अनुसार भी रख सकते हैं। साथ ही लाल रंग का जो पर्स होता है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहता है, जो लोहे का बिजनेस कर रहे हैं वो काले रंग का पर्स रख सकते हैं। आपने करना क्या, पर्स लिया,
लेने के बाद अपनी माँ और पत्नी, बहन या बेटी, किसी से भी महालक्ष्मी की पूजा आराधना कराने के बाद अपने पर्स में आपने 10 का नोट उनसे लेना है। पैसे पहले आप खुद चढ़ाइएगा, फिर उसके बाद उनसे 10 रुपए ले लीजिएगा। नया नोट लेना है, उसको कभी भी खर्च नहीं करना है, उसको अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लीजिए। उसमें कुछ शामी के पत्ते और महालक्ष्मी जी का चित्र जरूर रखिएगा। यकीन मानिए, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। भाई आज का टिप्स क्या कहता है, प्रत्येक गुरुवार को गाय को पहली रोटी खिलाने से आपके पितर तो खुश होंगे होंगे, घर में बरकत भी बनी रहेगी। हम आपको कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं ज्योतिष आचार्य किस तरह कृष्णा शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत। जय जय भोलेनाथ।